नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एस पी एन नई न्यूज़ नवजोत सिंह सिद्धू के आज के बारे में आज बातचीत करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव से पहले कितना ना रायता फैलाया था ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं लेकिन वो इस वक्त जेल में हैं एक साल के लिए ये भी हमने जो है खबर कर आप दर्शकों को बताई थी लेकिन जो ताज़ा मामला आया है ना वो बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाला है क्योंकि जेल में जिस तरीके की परेशानी वो काट रहे हैं उठा रहे हैं ये बेहद ही हैरान करने वाले हैं पहले क्या है ताज़ा मामला वो आप दर्शकों को बता दो फिर मैं बताऊंगा कि दरअसल उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और इससे आने वाले वक्त को देखते हुए क्या कुछ को किया जा सकता है देखिए ताज़ा मामला ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जेल में सता रही है आ, सता रहे हैं कैदी जो वहाँ कैदी हैं जो पहले से ऑलरेडी हैं आप तो जानते ही हैं जेल में कैसे खेल चलता है दबंगों का वो जो है उन्हें सता रहा है कैंटीन का, आ, कार्ड आ, उठा रहे हैं खूब फायदा और इसको लेकर शिकायत भी दर्ज की गई है अब देखिए दरअसल क्या हुआ कि जब नव नवजोत सिंह सिद्धू की गिरफ्तारियां हुई तो उस वक्त जो है वो खूब बहाना मार रहे थे मतलब इस तरीके का बहाना मार रहे थे जो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कभी हेल्थ को लेकर जो है शिकायत कर रहे थे कभी डॉक्टर से कुछ पर्ची लेकर आ गए ताकि किसी तरीके से उन्हें जो है आराम किया जाए कभी ज, जो है अस्पताल जा रहे थे वहाँ फिर वहाँ से डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था और उसके बाद ऐशो आराम से वो खा पी रहे थे तमाम चीज़ हर एक अपडेट्स हम आपको पहुँचा रहे थे लेकिन सवाल यही है कब तक और यही वजह है कि अब कैदी उनको परेशान कर रहा है हालांकि इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है तो उम्मीद है कि शायद उनकी बातों को सुना जाए लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से कांग्रेस का खेल बिगाड़ा नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से कांग्रेस का खेल ख़त्म कर दिया आज यही वजह है कि उनके जेल जाने के बाद भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अफसोस हो रहा है क्योंकि वाकई में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से जिम्मेदारियों को नहीं निभाया यही वजह है कि आज जेल में रहने के बावजूद जो उनके साथ परेशानियां हो रही हैं कांग्रेस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा देखते हैं कि आखिर इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है चलिए आज के लिए इतना ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे स्पेन आई न्यूज़ नमस्कार